To all of you dear students, as I said in our previous class that we will start the hack driver. Okay, we will start the chapter hack driver, which is the chapter number 8 of your book. Okay, in your another class I have taught somehow about the hack driver. Okay, but we will start from the beginning. Okay, Aman, now there is no need to text the message, be focused. Apurva, good evening. Okay, so let's start our topic which we have to read today, and that is hack driver. Okay guys, so first of all, you people have to make me understand the meaning of hack driver. What is the meaning of hack driver? As we have discussed, okay, in another class, somehow we have discussed guys, okay. So aaj thoda sa aur badhiya tarike se aur aap logo ke saath kuch figure ke saath bhi leke aaye hain, to chale isko dekhte hain, theek hai. Ghoda gaadi chalane wala, sikhar, horse, टोंगा ड्राइवर, यस और नो? टोंगा ड्राइवर, हमारे पास समय में ना, तो टोंगा की बात कर रहे हैं आज यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे टोंगा ड्राइवर एज वेल एज टोंगा की बात करेंगे हम लोग, हमारे पास समय में ना, दैट इज कॉल्ड द हैक ड्राइवर. अब युवराज हम लोग आगे समझेंगे वेदर इट हैज हैक्ड और नॉट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग गाइस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो ये जो कहानी हम लोग को बताएंगे ना, वो कौन है? तो एक यंग लॉयर है. जो ये कहानी हम लोग को बताने वो कौन है? तो यंग लॉयर है एंड ही इज वर्किंग इन ओके लॉ फर्म. हम लोग लॉ फर्म का भी मतलब समझेंगे एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अरे बस समझ में ना, तो सबसे पहले ये समझो कि इनको एक जगह भेजा जाता है. अरे समझ में ना, थोड़ा सा हम लोग समरी को देखते हैं. तो उनको भेजा जाता है, जैसे कि वहां पे इनका स्पेशली वर्क रहता है कि जाओ तुम समन दे के आओ कि इस इंसान को कल प्रेजेंट रहना है कोर्ट में. तो इनका काम भाई यही रहता है, ठीक है. बहुत मेहनत करके इन्होंने डिग्री को हासिल किया पढ़ लिख कर, लेकिन इनको काम क्या मिला? ये नहीं कि आप लॉ के बारे में आपको कुछ लिखना है, ठीक है ना, केस को. इनको बस इनके सीनियर्स ने वर्क यही दिया, ठीक है ना. अरे बात समझ में, उनके सीनियर्स ने बस उनको वर्क यही दिया कि आपको क्या करना है, उस इंसान को रिमाइंड करना है, ठीक है ना, कि आपको कल कोर्ट में पेशी होना है. राइट गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि उनको क्या करना है. जो ये थे हमारे द यंग लॉयर, उनका वर्क यही मिला था ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ठीक है, कि आपको जिस इंसान को हम लोग बता रहे हैं उसको जाके बुलाना है. अगर लेटर से आ जाता है दैट इज गुड, अदरवाइज यू हैव टू कॉल दैट पर्सन. जाइए और बुला के उसको कि कल आपको पेशी होना है, इट इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू हैव टू प्रेजेंट टुमारो. अरे बात समझ में ना, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं. दूसरी बात क्या, ये इंसान ना जाता है एक लुटकिंस नाम के इंसान को ढूंढने, समन करने, बुलाने के लिए. अरे बात समझ में ना, बुलाने के लिए जाता है. क्या लुटकिंस को ये लेके आता है? क्या लुटकिंस इसको मिलता है? ठीक है ना. व्हाइल रीडिंग दिस स्टोरी वी विल गो टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द हैक ड्राइवर. ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स एंड ऑर्डर समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समन्स एंड ऑर्डर टू अपीयर इन द कोर्ट ऑफ लॉ. What is the meaning of summons here? An order to appear in the court of law. यानी कि वो order, वो आदेश जिससे आपको court में present होना है, ठीक है ना. यहाँ पे summons का meaning यही है, वो आदेश जिससे आपको court में order होना है. किसके लिए? Oliver Lutkins, ठीक है. यानी पहले sentence को हम लोग समझते हैं. Guys, you also have to note down such a words, ठीक है ना, जिसको मैंने bracket में लिखा है. Note down करते हुए चलना है. और किसी को मैं बोलूंगा, ठीक है ना, कि ओपन योर कैमरा, देन यू हैव टू ओपन बिकॉज आई हैव टू सी दैट वेदर यू आर विथ पेन और पेपर नॉट. ओके, सो बी रेडी. उस समय ये नहीं सर कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक मिनट सर वर्क नहीं कर रहा है कीपैड, तो माता रानी पाप लगाएंगे. सोच लेना ना, तो तैयार रहना सर, ठीक है. तो समन्स का मीनिंग यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं, ऑर्डर टू अपियर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि वो आदेश जिसमें आपको उपस्थित रहना है. किसमें? तो कोर्ट में. बड़े दिन बाद सुनने को मिला, ठीक है, अनलेस मिला ना सुनने को. ओके ओके गाइस, ऑन ओलिवर लुटकिंस. अब देखो क्या होता है, अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर्स टेक हिम, सॉरी, अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर्स टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस. अब देखो क्या होता है ना, कि वहां पे जब खोजने के लिए गांव में जाता है, ठीक है, हाँ बुक में लिख लो अभिनव,
ठीक है, बुक में लिख लो, मजे ना लो, बुक में लिख लो, पढ़ाने दो, ठीक है। अ फ्रेंडली हेक ड्राइवर ओके टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकेस। अच्छा देखो, उस जगह पे जाता है ना, ठीक है, खोजने के लिए, तो वहां पे उसको इंसान मिलता है, ठीक है, हैक ड्राइवर, वही टोंगा ड्राइवर मिलता है और बोलता है कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है ना, किसको ढूंढने में, तो लुटकिंस को ढूंढने में। अब चलो रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको पढ़ो और हम लोग आगे देखेंगे कि वो खोज पाता है कि नहीं। डज ही फाइंड हिम, फाइंड हिम किसके लिए है, तो लुटकिंस के लिए है। कौन से लुटकिंस, तो ओलिवर लुटकिंस। क्या वो ओलिवर लुटकिंस को खोज पाता है, हु इज लुटकिंस, लुटकिंस कौन है, देयर आर टू क्वेश्चन ओके, जिसका आंसर हम लोग को देखना है और समझना है। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देख लो यही हमारे लॉयर साहब है, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है ना, कोई भी हंसेगा नहीं, देखो यंग है ना, ठीक है, इसी बेचारे को बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है ना, ठीक है, तो यही हमारे रेस्ट इन पीस, बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, ढूंढ ढूंढ के इन लोग को लगाया गया है, हम तुम लोग का मैसेज देख के हंसना है, एक्चुअली क्यूट लॉयर है, हाँ एकदम, तो यही लॉयर साहब है, ठीक है, इन्हीं को भेजा जाएगा खोजने के लिए, किसको, ओलिवर लुटकिंस को, ठीक है, अब समझ लेना, ठीक है। अब रजनीकांत लग रहा है सर, अच्छा अवनीश बोल रहा है, ठीक है भाई, तो समझ में आया, एक विशेष गांव में जा रहे हैं भाई, किसको खोजने के लिए, उस गांव का भी नाम हम लोग जानेंगे, ठीक है, पहले तो बहुत खुश होता है, चलो जगह मिला हमको, ठीक है, कहीं घूमने जाए, ये जो बॉस डेली डांटता है सब, उससे तो छुटकारा मिला ना, ये सोचता है ऐसा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको, ठीक है, सभी को देख लिया आई होप। अब देखो तो कुछ क्वेश्चन था, व्हाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन। अब देखो लॉयर यानी इस वकील साहब को कि क्यों भेजा गया था, ये जो जगह की बात है, जिस गांव की बात हम लोग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, न्यू मिलियन, आ रही बात समझ में ना, टू सर्व समन, यस वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस, ठीक है ना, और वो उस प्लेस के बारे में, उस जगह के बारे में उसने क्या सोचा, ठीक है, जब यहाँ पे ये जाता है, कौन, आ रही बात समझ में ना, हमारे लॉयर साहब जब जाते हैं वहां पे तो क्या सोचते हैं, ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा एज वी आर गोइंग टू रीड दिस, ओके, ठीक है। हु बेफ्रेंड्स हिम, वेयर डज ही टेक हिम, और वहां पे उनकी दोस्ती किससे होती है, ठीक है ना, एक दोस्ती बन जाती है उनकी, किससे होती है, ठीक है ना, और वो उसको कहां कहां लेके जाता है, किसको, लॉयर को, ओके। व्हाट डज ही से अबाउट लुटकिंस, और लुटकिंस के बारे में उसने क्या कहा, ओके गाइज, सो वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दैट, ओके, आ रही बात समझ में सभी को, तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन बोल रहा है सारा बात, ठीक है ना, कौन बोल रहे हैं, तो लॉयर बोल रहे हैं, आ रही बात समझ में ना, ठीक है। चलिए, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिशेंट लॉ फर्म, आ रही बात समझ में ना, मैग्निफिशेंट लॉ फर्म, ओके, तो लॉ फर्म में, लॉ फर्म कहने का मतलब क्या है यहाँ पे समझिएगा, यानी कि आप देखते हो ना कि जैसे कि एक कंपनी होता है, ठीक है, तो ये भी बता रहे हैं कि लॉ फर्म वाले कंपनी में वहां पे मैं एक किस पोस्ट पे कार्यरत हो गया, तो असिस्टेंट क्लर्क के पोस्ट पे, ओके। आई वाज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, ठीक है ना, मुझे भेजा जाता था किस लिए, ठीक है ना, लीगल ब्रीफ्स के लिए ना, प्रिपेयर करने के लिए नहीं, यानी कि जो कागज होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए मुझे नहीं भेजा जाता था, बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, ठीक है ना, बल्कि मुझे भेजा जाता था समन्स के लिए, यानी किसी को बुलाने के लिए, कल तुम्हें हाजिर होना है कोर्ट में, ठीक है ना, उसके लिए भेजा जाता था, और ये मुझे वर्क क्या लगता था, बहुत ही चीप लगता था, बहुत ही क्या लगता था, ऑड लगता था, किस तरह, तो प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह, ओके। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड सैडो कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। अब देखो यहाँ पे विक्टिम्स वर्ड का यूज क्यों किया गया, आ रही बात समझ में ना, यहाँ पे तुमको बताना है, वो बोल रहा है कि आई हैड टू गो टू डर्टी एंड सैडो कॉर्नर ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स, आ रही बात समझ में ना, तो यहाँ पे विक्टिम वर्ड का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि किसी को भी आप कोर्ट में हाजिर करते हो, आ रही बात समझ में ना, तो विक्टिम ही है ना बेचारा, वो शिकारी है किसी चीज का,
अरे बस समझ में, तो इसीलिए यहाँ पे विक्टिम्स वर्ड का यूज किया गया, ठीक है। अरे बस समझ में ना, यानी इसका काम क्या रहता है, आई हैड टू गो टू द डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी, यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या, अब ऐसे इंसान को बुलाने के लिए इसको बहुत ज्यादा जो जगह रहता था डर्टी रहता था, ठीक है, कीचड़ से भरा रहता था जगह, तो शहर के कोने किनारे किनारे तक उसको जाना पड़ता था, ठीक है ना, यानी अंतिम छोर तक, कहने का मतलब है वैसे लोगों को बुलाने के लिए, ठीक है। अरे बात समझ में ना, हाँ नहीं यार क्या, वेरी गुड, सही बोल रही हो। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। अब देखो इसमें से कुछ लोग ऐसे नहीं होते थे कि चुपचाप मेरे साथ आ जाते थे, ठीक है ना। अब मान लो कि हम किसी को समझ देने जा रहे हैं कि तुमको कल हाजिर होना है, तो मान लो तो कुछ तो एक्सेप्ट करने से छोड़ देते हैं ना, कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मेरे को मालूम कैसा चला है कि मेरे को हाजिर होना है। अब जाके बोलिएगा तो क्या करेगा, आपसे मजबूत रहेगा तो पिटाई भी करेगा, लेके आए हो समन्स, कल हमको हाजिर होना है कोर्ट में, तो यही बता रहा है कि कुछ जो मेरे से मजबूत होते थे, ठीक है ना, और सेल्फ कॉन्फिडेंट होते थे, वो मुझे कभी कभी पीटते भी थे जब मैं क्या करने जाता था, उन लोगों को बुलाने जाता था। ओके गाइस, यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द ऑनर्स, जो ऑनर्स कर लेते हैं उनके बाद जिस जॉब को वो करते हैं उसमें वो खुशी नहीं रहते, ठीक है, काफी ज्यादा इनको डिफिकल्टीज का सामना उठाना पड़ रहा है, राइट। आरी बात समझ में ना, आरी बात समझ में, ओके गाइस, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ओके ओके। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी। I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. अब देखो क्या बोल रहा है कि मुझे तनिक भी ये ना जॉब पसंद नहीं आया करता था एकदम, मतलब चाहते थे ना कि यहाँ से कब का हम भाग जाए, और कभी कभी मैं यही सोचता था कि अपने गांव में चला जाऊं, ठीक है, और वहां पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, कम से कम इतना जो कठिन जो ये पीरियड है, ठीक है ना, किस चीज का, तो प्रैक्टिस का, ठीक है ना, स्टार्टिंग का, वो तो मुझे झेलना नहीं पड़ेगा। तो यही यहाँ पे बात बताया गया, देखो आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क, ठीक है ना, ये जो अनप्लीजेंट जिसमें काफी ज्यादा हैप्पीनेस नहीं रहता था, ठीक है ना, हमेशा सैड सैड हो जाओ, कभी पिटाने को मिलता था, कभी एकदम कॉर्नर में जाओ, अंधेरे में जाओ, ठीक है ना, और सैबी वाले रोड पे जाओ, ठीक है, किसी को खोजने के लिए, सर्च करने के लिए। अरे बात समझ में, तो ये सारी चीज से वो क्या चुका था बेचारा, तो सैड हो गया था, तंग हो गया था, ठीक है। तो वो बोला था कि इससे बढ़िया है कहीं मैं सोचता था कि मैं अपने गाँव चला जाऊं और वहां पे सिंपल खुद का प्रैक्टिस करूंगा, दैट इज क्वाइट इनफ, कम से कम ये जो ट्रेनिंग चल रहा है, अनप्लीजेंट पीरियड चल रहा है ट्रेनिंग का, वो तो बच जाएगा। ओके गाइस, अब आगे देखते हैं। सो आई रिजॉइस्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजॉइस, टू फील ग्रेट हैप्पीनेस। अब किस लिए इनको हैप्पीनेस आने लगा भाई, खुश हो गए लॉयर साहब, अब क्या कारण था ये कि खुश हो गए। अब एक दिन देखो होता क्या है, so I rejoiced, what is the meaning of rejoice, to feel great happiness. One day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins. अब देखो ये क्या होता है ना कि एक दिन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, किस लिए, क्योंकि इनको बोलता है सब एक काम करो दूसरे शहर में जाओ, ठीक है, और एक इंसान को लेके आना है जिसका नाम क्या है, ओलिवर लुटकिंस, उसको तुमको ये समन्स देके आना है कि तुमको हाजिर होना है, ठीक है ना। उससे पहले कितनी बार इन्होंने लेटर लिखा था कि देखो तुम हाजिर हो जाओ, बट ओलिवर लुटकिंस वो इग्नोर कर दे रहा था उन लोगों के लेटर को, तो उन्होंने सोचा कि इस बार फिजिकली भेजते हैं लॉयर को, उनके जो बॉस थे, अरे बात समझ में, तो इनको भेजते हैं, किसको भेजते हैं ये, तो लॉयर्स को, ठीक है। अभी बेचारा सोचता है कि कुछ दिन लोगों से दूर रहेंगे, मजे में रहेंगे, और वो जगह अच्छा होगा, ऐसा तो नहीं होगा घटिया, ठीक है। अब देखो न्यू मुलियन में जब ये जाते हैं ना इसको बुलाने के लिए, ओलिवर लुटकिंस को, अब आगे क्या होता है, वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल ऑफ आवर लेटर्स। अब देखो इसकी जरूरत क्यों थी, तो विटनेस के लिए, ठीक है ना, विटनेस के लिए, एक गवाह नहीं होता है चश्मदीद गवाह जिसको हम लोग बोलते हैं, विटनेस, उसके लिए इसकी जरूरत थी, ठीक है ना, इसी के विटनेस के कारण वो केस फंसा हुआ था। अरे बात समझ में, तो इसको ये लोग कितनी बार लेटर्स लिखा लेकिन उसने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, देख रहे हो ना, ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, उसने क्या कर दिया था, तो सारे लेटर्स को इग्नोर कर दिया था गाइस, ओके। तो क्या यहां तक कहीं पे भी प्रॉब्लम है क्या, बोलिए आप सभी, कहीं पे प्रॉब्लम,
नहीं है सर जी अंकित, वेरी गुड, तुम पार्टी दो पहले उसके बाद मैसेज करना, ओके नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड। अब बन गया है भाई, अब ये नहीं पूछना है कि सर आपने खुद लिखकर बनाया है, तुम लोग जो ना करवाओ। सर वो हैप्पी क्यों होता है? क्योंकि उसको छुटकारा मिलता है अपने बॉस का, ठीक है ना, उसको भेजा जाता है दूसरे जगह पे बुलाने के लिए। अब वो अपने टाउन में रहकर ना तंग हो गया था, थोड़ा सा वो परप्लेक्स हो गया था, कंफ्यूज हो गया था और सैड भी था, तो सोचा कि दूसरे जगह पे जाएंगे तो यहाँ से तो बढ़िया जगह होगा, ठीक है ना, कौन सा वो जगह है, तो न्यू मुलियन। अरे बस समझ में ना उसकी बात हो रही, अरे बस समझ में। अब देखो क्या बोल रहा है कि वो जगह यहाँ से बढ़िया होगा, जैसे कि आप देख रहे हो ना कि बहुत सारा ये सैप भी उधर का रोडवेज था, बोला था कि जहां जहां पे बुलाने जाते थे, ठीक है ना, काफी ज्यादा डार्क अंधेरा भी रहता था कुछ साइड के तरफ। अरे बस समझे, तो यहाँ का बता रहा है कि वो ये तो जगह जो होगा न्यू मिलियन जो जगह होगा वो तो वहां से बढ़िया होगा ना। ओके अब देखो, When I got to New Mullion, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed. अब देखो जैसे ही वहां पे जाता है भाई बाय ट्रेन, तो देखता है कि यही न्यू मिलियन जगह है। अब क्या होता है ना कि इसका जो हैप्पीनेस था वो और डिसअपॉइंटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जगह और भी देखने में क्या था, वहां का कंडीशन बुरा था। अरे बस मैंने कहा एकदम वो क्या था, तो पुराना जगह था, ठीक है, विलेज एरिया था। अरे बस समझ में, तो काफी ज्यादा वो क्या हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। अब देखो आगे देखते हैं, इट्स स्ट्रीट वर रिवर्स ऑफ मड, यानी स्ट्रीट जो रास्ता था उसपे क्या था, तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ था, ठीक है। अरे बस समझ में, जो भी रास्ते थे उस पर एकदम पूरा कीचड़ फैला हुआ है, जैसे अक्सर हम देखते हैं छपरा का रोडवेज इन रेनी सीजन गाइस, देखते हैं ना, हाँ तो वैसा ही। अब देखो, इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर ऑफ मड With rows of wooden shops, either painted a sour, okay, brown or bare of any paint at all. अब देखो यहाँ पे इतने का पहले हम लोग मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? Its streets were rivers of mud with row of wooden shops. अब देखो पूरा जो रास्ता था वो सड़क था वो कीचड़ से भरा हुआ था, और जो रो में जो बना हुआ था दुकान वो किस चीज का बना हुआ था, लकड़ी का दुकान बना हुआ था। Either painted a sour brown. Sour brown means क्या होता है ना कि सैबी, जो एकदम खराब दिख रहा हो, ठीक है ना, साउट कहने का मतलब यही कि जो एकदम अनप्लीजेंट दिख रहा हो, ठीक है ना, वैसे टाइप का था, थोड़ा सा भी खूबसूरत वो दुकान सब नहीं दिख रहा था वहां का, तो सावर ब्राउन यानी ब्राउन कलर से था वो भी एकदम साउट, और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, और कुछ में तो पेंट भी नहीं चढ़ा हुआ था। अरे बस समय में दुकान लकड़ी का लगा हुआ है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कभी आप गांव की तरफ गए होगे, इवन गांव में भी कंडीशन बढ़िया रहता है, सभी जो दुकान होता है वो क्या रहता है, ठीक है ना, वो पेंटेड रहता है। ओके युवराज बोला सर छपड़ा बेस्ट एग्जांपल है, ओके ठीक है। अब देखो, द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। अब देखो बोल रहा है ना वहां पे एक ही चीज बढ़िया था जो कि डिलीवरी मैन था, ठीक है ना, इट मीन्स हम बोल सकते हैं वो हैक ड्राइवर की बात कर रहा है वहां पे, या कुछ लोग थे जो सामान को इधर से उधर करते थे। अरे बात समझ में ना, समझ में आ रही मेरी बात, ओके गाइस समझ में आ रही है मेरी बात ना, बोलो, ठीक है। तो बोल रहा है कि वहां पे बस यही एक सपोर्टिंग नेचर देखने को मिला, ठीक है, कि जो द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन, ही वाज अबाउट 40, ठीक है ना, यानी उसका उम्र कितने का होगा, तो 40 साल का होगा, 40 ईयर्स ओल्ड, रेड फेस्ड, यानी फेस उसका कैसा है, तो रेड है, अरे बस मैं ना, चीयरफुल And thick about the middle. अच्छा ठीक है ना, middle से क्या था, बीच से, तो वो मोटा था। His working clothes were dirty and well worn. ठीक है ना, और जो वो कपड़ा पहना हुआ था उस समय वो क्या था, तो गंदा था, थोड़ा सा फटा हुआ था। And he had a friendly manner. लेकिन जो उसका manner था वो काफी ज्यादा, जो उसका स्वभाव था वो friendly था। You felt at once that he liked people. Okay. अब यहाँ पे देखो इस paragraph में बात हो रही है ना कि हमारे जो lawyer है, ठीक है ना, वो क्या बता रहे हैं कि जब मैं न्यू मिलियन जगह पे प्लेस पे गया तो मेरा जो हैप्पीनेस था ना, दैट हैज कन्वर्टेड इनटू डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है ना, उसमें वो चेंज हो गया, डिसअपॉइंटेड में चेंज हो गया। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज द स्ट्रीट ऑफ दैट प्लेस वाज टोटली फुल ऑफ
मड, अरे बस समझना टोटली वो क्या था, तो मड से भरा हुआ था, रिवर ऑफ मड यानी कीचड़ पूरा फैला हुआ था, ठीक है ना। वहां की अगर हम दुकान की शॉप की बात कर रहे हैं तो कुछ तो एकदम साउट कलर का पेंट है उसपे, ठीक है, और कुछ जो है वो क्या है तो दुकान एकदम ठीक है ना बिना कलर किए हुए है, ठीक है ना, यानी कि देखने में भी बढ़िया नहीं लग रहा था। वहां पे एक ही चीज बढ़िया था, जहां वहां पे डिलीवरी मैन जो थे ना, हमन वी कैन से ओके, वो फ्रेंडली नेचर के लग रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिलीवरी मैन कहने का मतलब तात्पर्य क्या हो सकता है कि हैक ड्राइवर का भी यूज हो रहा है, ठीक है, या वो लोग भी होते हैं जो कुली भी होते हैं जो सामान को इधर से उधर रखते हैं आपका सामान उठाकर, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अब देखो तो उसके अपियरेंस की बात की जा रही है, तो बताया जा रहा है कि वो क्या है, ठीक है, तो यहां पे बताया गया आपको, बोलो कि वो काफी फ्रेंडली नेचर का है, और इवन हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि वो फील कर रहा था, कौन लॉयर फील कर रहा था कि वो इंसान ऐसे टाइप का है कि जैसे कि उसको लोग जो है ना पसंद आते हैं, ठीक है ना, लोगों से मिलना। अब देखो ठीक है, देखो फिगर तो दूसरा मिला है फैटी मैन का, इनका उम्र भी 40 साल तक का लग रहा है, आई थिंक ही इज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड गाइस, बट इनका जो कपड़ा है जैसे कि उसमें मेंशन किया गया है कि फटा हुआ, इनका कपड़ा इसमें फटा हुआ नहीं है, तो आपको फील करना है, ठीक है, कि इनका जो कपड़ा व्हाट एवर द क्लॉथ व्हिच ही हैज वर्न ओके ये क्या है तो फटा हुआ है, ये आपको फील करना है, आ रही बात समझ में ना। और बीच से देखो उनका स्टोमक निकला हुआ था ना, यहाँ पे मेंशन किया गया था, देखो ही वॉज अबाउट 40 साल के, ठीक है ना, रेड फेस्ड, इनका फेस भी रेड है, चीयरफुल खुशमिजाज टाइप के, ठीक है, आ रही बात समझ में। और देखो क्या था, एंड थिक अबाउट द मिडिल, और बीच से क्या थे वो, थिक अबाउट द मिडिल, देख रहे हो ना बीच से मोटे हैं कि नहीं है, कहां से लाए हैं सर पिक्चर, 1 बजे रात तक जगे हैं बनाने के लिए, ठीक है। देखो फिगर सब दूसरा है, ठीक है ना, ये नहीं है कि जो परफेक्ट इसमें रोल दिया गया है वही है, इवन ऐसा फिगर दिखाया भी नहीं है, ठीक है ना, आपके बुक में, अरे बस समझ में ना, तो अपने से ये सब लिया गया, लाइक एन एलिफेंट रोशनी ओके, तो आप देख रहे हो ना इसका बीच से स्टोमक जो है, थैंक यू अपूर्वा, थैंक यू वेरी वेल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। नॉर्मल पीडीएफ सर ना मजा नहीं आ रहा था, ठीक है, तो थोड़ा सा सोचे कि कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ सीखते हैं, इवन आप देख सकते हो विकास सर कैसे करते हैं ना, तो हम भी थोड़ा सा सोच रहे थे कि कर लें सीखे ओके। तो आप देखो यहाँ पे, ठीक है, अदिति थैंक यू, थैंक यू, नाउ फोकस हियर गाइस, ठीक है, और मैं इसका बकायदा आपको पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है, पीडीएफ भी मैं डालूंगा इसको, इवन मेरे को नहीं आएगा तो मैं रोहित सर से करके इसको डलवा दूंगा ओके। चलिए अब यहाँ पे अब थोड़ा सा फोकस करते हैं, बिकॉज वी हैव टू रीड अ लॉट, हम लोग काफी ज्यादा पढ़ना है ओके गाइस। प्रेरणा मेरा प्रॉब्लम, हम पूछो क्या प्रॉब्लम है प्रेरणा, क्या प्रॉब्लम है पूछिए, पूछिए कहाँ पे प्रॉब्लम है आप लोगों को, तुम खुद से क्लास के बाहर हो जा रहे हो, ऐसा नहीं है ओके। चलिए अब आगे बढ़ते गाइस ओके, तो यहाँ पे हमने देखा उस इंसान को जो यहाँ पे उनका हेल्प करेगा, ठीक है ओके गाइस। अब देखो आई वांट आई टोल्ड हिम, ठीक है ना, आई वांट आई टोल्ड हिम, अब देखो कौन बोलता है, ये लॉयर बोलते हैं, आई वांट कोमा देख रहे हो ना, आई टोल्ड हिम मैं चाहता था, मैंने कहा टू फाइंड अ मैन नेम ओलिवर लुटकिंस, कि मैं यहाँ पे ठीक है ना, टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, ठीक है ना, कि मैं यहाँ पे बेसिकली आया हूँ ठीक है ना एक इंसान को खोजने के लिए, उसका नेम क्या है तो ओलिवर लुटकिंस है, अरे बस समझ में ना, इस इंसान से सपोज करो कि उस कौन बोले, हमारे लॉयर साहब ने कहा ठीक है लुटकिंस, अब देखो थोड़ा सा शौक होता है लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर एगो, अब ये क्या बोलते हैं ना, ये बोलते हैं कि मैंने उसे 1 घंटे पहले यहाँ पर देखा था, मैंने 1 घंटे पहले यहां पर उसको देखा था,
ठीक है ना, फटा हुआ ही है, डटी भी है, देखो डटी है ना और फटा भी है, वर्ण भी है, ठीक है, फटा पुराना, ठीक है। अब देखो, आई वॉन्ट आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, ठीक है, लुटकिंस आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर एगो, ठीक है ना। अब ये क्या बोलते हैं लुटकिंस कि मैंने उसे एक घंटे पहले यहाँ पे देखा है। अब देखो, हार्ड फिलो टू कैच, आप समझिएगा इसका मीनिंग, ये सब ना आपको अंडरलाइन करना है, हार्ड फिलो टू कैच, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट पर्सन, कि उससे मिलना काफी ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है, उसे पकड़ना, उसे खोजना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। दो ऑलवेज अप टू समथिंग, ठीक है ना, अप टू समथिंग का मतलब क्या होता है, मिस्चीबियस और स्कीमिंग, ठीक है ना, यानी कि मिस्चीबियस वर्क करते रहता है वो, अरे बस समझ में ना, और अदर्स दूसरे के साथ, ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर। अब देखो पोकर क्या होता है, शॉर्ट काइंड ऑफ कार्ड गेम, इसे क्या बोलते हैं, इट इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ कार्ड गेम गाइस, इन द बैक ऑफ फिट शॉप। अब देखो क्या बोलते हैं ना, कि जनरली अगर उसकी बात करें तो अपने डे की शुरुआत वो कहाँ पे करता है, फिच है उनके दुकान के पीछे, वो क्या करता है तो पोकर गेम को खेल के अपने दिन का स्टार्टिंग करता है, मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं कि वहां पे वो खेलते रहता है। आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। अब देखो बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा लड़के, कौन बोलता है, तो ये इंसान बोलते हैं लॉयर को कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि कहाँ पे रहता है, जनरली मैं आपको हेल्प भी करूंगा कि कहाँ पे रहता है, बट उससे पहले क्या जरूरी है क्या उसको पकड़ना, उससे मिलना आपको, वो पूछता है, इनडायरेक्टली पूछता है वो इंसान, ठीक है ना, लॉयर से कि क्या आपको जरूरी है उससे मिलना। अब देखो आगे वो क्या बोलता है, ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली। अब देखो, he was so open and friendly that I glowed, means होता है happy. He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. अब देखो यहाँ पे ना, उस इंसान के बारे में लॉयर बता रहे हैं, ठीक है, कि जैसे वो मेरे से पूछ रहा था, काफी ज्यादा उसका फ्रेंडली नेचर था, उससे मैं काफी ज्यादा खुश हुआ, उसके अफेक्शन से, उसके पूछने के तरीके से, जैसे उसने वेलकम किया उस तरीके से, मैं काफी ज्यादा खुश था। I knew of course that he wanted the business, but his kindness was real. और वो बोला कि मैं जानता था कि वो मेरे साथ बिजनेस भी करना चाहता है, एक्चुअली वो टोंगा को अगर लेके आएगा, उस पर बैठाएगा तो उसका तो पैसा लेगा ना, अरे बस समझ में ना, तो बोला कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो मेरे साथ बिजनेस कर रहा था, ठीक है, बट उसका जो बोलने का तरीका था, वेलकम करने का तरीका था, जनरली अगर वो मेरे से पैसा नहीं लेता, दूसरा कोई पैसा लेता, राइट गाइज, मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, अरे बस समझ में ना, तो बिजनेस कर ही रहा था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट जो उसका बोलने का तरीका था, मुझसे पूछने का तरीका था, जो फ्रेंडली नेचर था, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है, और वो काफी ज्यादा क्या था, तो रियल भी था। अब देखो, आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फिलो, और वो बोला है ना, मैं काफी ज्यादा खुश था, ठीक है, कि मेरा जो किराया है, मेरा जो पैसा है, वो एक अच्छे इंसान के पास जाएगा, ठीक है, अगर वो इसको नहीं देता तो दूसरे इंसान को तो फेयर देना पड़ता ना, किराया देना पड़ता कि नहीं पड़ता, तो ये खुश था, कौन, लॉयर, कि जो किराया है एक अच्छे इंसान के हाथ में जा रहा है। आई मैनेज टू बार्गेन $2 एन आवर एंड देन ही ब्राउट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाई अ सॉर्ट ऑफ लार्ज बॉक्स ऑफ बिल्स। अब देखो बोलते हैं ना, मैंने उससे मैनेज किया, कुछ बार्गेन किया, बार्गेन समझ में आता है ना, पैसा मोल भाव कम करवाना, जो इंसान बोलता है उसे थोड़ा सा कम में दे दो, सभी कोई बार्गेन जानते होंगे, ठीक है, तो बोल रहा है, और मैंने क्या बोला, फाइनली डन हुआ कि एक घंटे का मैं तुम्हें $2 दूंगा, ठीक है ना, और उसके बाद वो क्या बोला, वो गया बगल से और लेके आता है, देन ही ब्राउट फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने घर से क्या लेके आता है, नियर बाई अ सॉर्ट ऑफ लार्ज बॉक्स ऑन व्हील्स, एक बड़ा सा काला सा, ठीक है ना, व्हील्स लगा हुआ, ठीक है, लेके आता है। अब देखते हैं वो क्या था, वही था हमारा, ठीक है, टोंगा, ओके गाइज, अब देखो आगे देखते हैं, ओके गाइस, यहां तक आप लोगों को प्रॉब्लम है क्या, बताइए आप मेरे को एक बार, ओके, नो सर, नो सर, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे ना वर्ड का मीनिंग भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो येलो में है आपका मेन मीनिंग है, ठीक है, और उसका जैसे कि देखो कुछ जगह पे जो हमको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा उसका मैंने मीनिंग लिख दिया है, ओके गाइस,
ओके अब देखो, ही रिमार्क वेल यंग मैन हेयर इज द कैरेज एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इन टू मेट गाइज इधर कर ले. ओके ही रिमार्क वेल यंग मैन हेयर इज द कैरेज एंड हिज वाइल्ड स्माइल मेड मी इन टू एन ओल्ड फ्रेंड. अब देखो क्या बोलते हैं ना कि देखो मैन यंग मैन यहाँ पे रहा हम लोग का कैरेज, आओ उसमें बैठो और हम लोग चलते हैं सर्च करने के लिए. ठीक है ना, यही इंटेंशन था कहने का. और बोला था जो उसके हंसने का तरीका था और बोलने का तरीका था किसका, हैक ड्राइवर का. ठीक है ना, वो मुझे ऐसा प्रतीत कर रहा था कि ये मेरा पुराना कोई दोस्त है. इट मीन्स वो काफी ज्यादा फैमिलियर बिहेव कर रहा था. ओके दिस विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर. अब देखो ये सोचता क्या है, जो लॉयर है वो क्या सोचता है कि यहाँ के जो गांव वाले हैं ना, यहाँ के जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा क्या होते हैं ना, फ्रेंडली नेचर के होते हैं. कोई भी अजनबी होता है तो उसको ये लोग हेल्प करते हैं. जैसे कि ये इंसान मिला, हैक ड्राइवर मिला है और हेल्प कर रहा है, तो सारा कुछ इसके दिमाग में आ रहा है किसके, लॉयर की. ओके ओके गाइज, ही हैड ऑलरेडी मेड इट इज ऑन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी. और बोला है ना कि ऐसा लग रहा है कि उसने ये खुद का वर्क ले लिया है, जैसे कि मेरा वर्क है टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस, बट इसके साथ जाने पे ऐसा लग रहा है कि अब ये वर्क इसका हो गया है. ठीक है ना, किसको खोजना, तो ओलिवर लुटकिंस को, ऐसा शो कर रहा है. अरे बात समझ में, ही सेड आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफियर यू, आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफियर यंग फिलो, बट माई गेस इज दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस. अब देखो बोलता है, ठीक है, अब हैक ड्राइवर फिर बोला, उसने कहा ही सेड आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफियर, मैं इंटरफियर नहीं करना चाहता हूँ कि किस पर्पज से आप आए हो ओलिवर लुटकिंस को खोजने के लिए, बट यंग मैन मेरे को जहां तक लगता है कि आप उससे अपना पैसा लेने के लिए आए हो जो आपसे वो लिया है. फिर देखो हैक ड्राइवर क्या बोलता है, ही नेवर पेज एनी बडी अ सेंट, यानी वो किसी को एक पाई भी, ठीक है ना, नहीं देता है जिसका बकाया, जिसका कर्जा ले लिया है. ही स्टिल ओज, देखो यहाँ पे वर्ड दिया गया ना ओज, ये आपका मेन सेंटेंस है, तो मतलब ड्यूज डेट मी 50 सेंट ऑन अ पॉकर गेम. ठीक है ना, वो क्या बोलता है कि उसने मुझसे भी 50, ठीक है ना, कितना 50 सेंट सॉर्ट काइंड ऑफ मनी. ओके उसने मुझसे लिया, ठीक है ना, किस गेम में, तो पॉकर गेम में. और आई वॉज फूल, ओके आई वॉज फूल, मैं बेवकूफ था, आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विथ हिम, और मैं बेवकूफ था कि मैंने उसके साथ खेला. अरे बस वही, यानी कि पॉकर गेम में वो 50 सेंट किससे ड्यूज लिया था, ठीक है ना, तो हैक ड्राइवर से. किसकी बात हो रही है, ओलिवर लुटकिंस की बात हो रही है. ठीक है, कि उसने मुझसे कर्ज लिया था और उसने अभी तक मुझे नहीं दिया. ही इज नॉट रियली बैड बट It is hard to make him part with his money. If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. अरे बात समझ में ना, वो बोलता है कि देखो वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट होता है ना कि उससे पैसा वापस निकाल लेना. ठीक है, अगर वो किसी से पैसा ले लेता है, then it is very difficult to take back your money. That person. ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है. अगर आप ऐसे क्लॉथ में ना, फैंसी क्लॉथ में टाई लगाए हो, ठीक है ना, और ऐसे ड्रेस में उसके सामने जाओगे तो उसको पहले ही सस्पिशियस, ठीक है ना, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मालूम चलने लगेगा और वो उस जगह से भाग जाएगा. अरे बात समझ में ना, तो वो बोलता है. अब देखो फिर क्या बोलता है, ये सारा बात अभी हैक ड्राइवर बोल रहा है. इफ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फिश एंड आस्क फॉर हिम, बोलता है कि अगर तुम कहोगे तो फिश के शॉप में मैं जाऊंगा और तुम्हारे बदले मैं उससे पूछूंगा, एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और तुम मेरे पीछे से उस पे ध्यान देते रहना. ठीक है ना, आई लव्ड हिम फॉर दिस बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस. ठीक है ना, अब देखो ये सुनकर ना जो हमारे लॉयर साहब है वो क्या बोलते हैं कि काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वाह क्या आइडिया दे रहा है. ठीक है ना, मेरे को लग रहा है ना कि अगर मेरे को खुद से खोजना पड़े तो मैं कभी लुटकिंस को खोज नहीं पाऊंगा, जैसा ये इसके बारे में बता रहा है. बहुत बढ़िया है, ये जाएगा उसको खोजने के लिए, मैं पीछे से इंतजार करूंगा और ये बढ़िया है मेरे लिए, अदरवाइज मैं उसको अकेले खोज नहीं पाऊंगा. अब देखो आगे क्या होता है, विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन. और जैसे वो सोचा ना कि जो हैक ड्राइवर के जानकारी से जितना वो नॉलेज रखा है जगह के बारे में, प्लेस के बारे में, इवन लुटकिंस के बारे में, डेफिनेटली मैं उससे मिल लूंगा. ठीक है ना, किससे, ओलिवर लुटकिंस से. कौन सोच रहा है, वो इज जस्ट थिंकिंग गाइज दैट आवर एडवोकेट. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins that the man had refused
to be a witness when his information would have quickly settled our case. उसके बाद में जाकर उसको दूंगा कि समन्स, ये समन्स लो और तुमको आके प्रेजेंट होना है और तुम्हारे कारण ही वो केस क्या है अभी तक अटका हुआ है, जैसे ही जाके वहां पे विटनेस बनोगे वो केस बहुत इजीली क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, ओके, और सेटल्ड हो जाएगा। सूरजवान क्या कर रहे हो ये तुम? ओके गाइस, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में? आई होप यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ओके, मूविंग अहेड गाइस, आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब देखो, द ड्राइवर लिसेंड अर्नेस्टली सीरियसली एट द एंड एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड, वेल वेल We will give brother Lutkin's little surprise. Okay? तो ये सारे intentions उसको बता दिया, ठीक है ना, कि मैं किस purpose से आया हूँ यहाँ पे। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखो क्या होता है, driver listen, यानी सारा बात जो बोल रहा था कि मैं किस purpose से आया हूँ यहाँ पर बुलाने के लिए, ठीक है ना, तो ये काफी ध्यान से सुन रहा था। अब जो hack driver थे वो बोलते हैं उसके कंधे पे हाथ ठोकते हुए कि हाँ भाई, दिलासा दिलाते हुए कि बहुत जल्द लोग Lutkin को पकड़ लेंगे, ठीक है ना, और उसे सरप्राइज देंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? Getting guys, the driver listened. Okay, earnestly means seriously. You have to underline that word. Okay, at the end, last में he hits me on the shoulder. Shoulder पे क्या करते हैं? Hit करते हैं and laugh और उसके बाद हंसते हैं. We will give brother. Okay, Lutkin's a little surprise. ठीक है, हम लोग Lutkin's को थोड़ा सा surprise देंगे. Let's start driver. अब देखो उसने क्या बोला ना, lawyer बोलता है उसको let's start driver. ठीक है ना, अब जैसे ही driver word बोलता है ना, थोड़ा सा इसको बुरा लग जाता है. किसको? The hack driver को. और बोलता है most folks. Folks means people of that place. ठीक है ना, यहाँ के लोग. Most folks around here call me Bill or Magnusson. Most folks around here call me Bill or Magnusson. My business is called William Magnusson Fancy Karting and Hacking. आई बात समझ में ना? तो बोलता है कि यहाँ के बहुत सारे लोग, ठीक है ना, मुझे क्या बोलते हैं, बिल कहकर बुलाते हैं या मैग्नुसन कहकर बुलाते हैं। आई बात समझ में ना? यानी उसको बुरा भी लग रहा है कि ड्राइवर नहीं कही है हमको, ठीक है ना, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है ना, माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, ये मेरा बिजनेस है। ओके गाइस, ऑल राइट बिल, अब उसके बाद कौन, ठीक है, तो लॉयर बोलते हैं ऑल राइट, ठीक है, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज, अब बोलते हैं क्या हम लोग फ्रिज के घर की तरफ बढ़े, उसके दुकान की तरफ, सॉरी, उसके दुकान की तरफ बढ़े। अभी बात समझ में? यस Lutkin's, बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, ओके, यस Lutkin's इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, ठीक है ना, प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर्स, अब बोल रहा है ना कि Lutkin's का वहां पे होने का बहुत ज्यादा चांसेस है कहीं दूसरे जगह से, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा वो क्या खेलता है, पोकर्स खेलता है। आई हैव ऑलरेडी सेड अबाउट व्हाट इज पोकर, इट इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ गेम, कार्ड गेम, कार्ड से खेला जाता है, बहुत लोग जानते होंगे इसको। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, अब देखो उसके बारे में कौन बोल रहा है, ये तो हैक ड्राइवर बोल रहा है कि वो बहुत ही बढ़िया है दूसरे को धोखा देने में, बहुत तेज है वो लोगों को धोखा देने में। बिल सीम टू एडमायर Lutkin's, अब देखो talent for his dishonesty, अब ऐसा लग रहा था ना कि बिल उसका क्या कर रहा है, appreciation, बिल means who, that Tonga driver, that is hack driver, okay, तो as we have read, जैसा कि हमने पढ़ा कि उसको बिल बोल रहा है कि मेरा generally यहाँ के लोग मुझे बिल या Magnusson बोलते हैं, तो ये बिल कह के बुलाते हैं भाई। अब देखो ये क्या सोच रहा है, जैसा कि उसके बारे में hack driver बता रहा था, तब ये सोच क्या रहा है कि बिल seem to admire Lutkin's, ठीक है ना, ऐसा लग रहा था ना, talent for dishonesty, यानी कि यहाँ पे एक बोल सकते हैं ना सरकाज्म वर्ड का यूज करना अपोजिट में, ठीक है, कि ऐसा लग रहा था कि उसकी बुराइयों का ये पुल बांध रहा है, ठीक है, समझ में आ रही गाइस? ओके, ठीक है,
ओके गाइस, ठीक है। तो अब देखो, तो बिल सीम टू एडमायर प्लुटकिन्स टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, ठीक है ना, यानी कि वो उसके बेईमानी के कारण, डिसऑनेस्टी के कारण उसके सारे बारे में सारा बात बता रहा था, ऐसा सीम हो रहा था कि उसको एडमायर कर रहा है डिसऑनेस्टी के बारे में। आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन ही वुड हैव कॉच लुटकिंस रेस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विद अ रिग्रेट। अरे बात समझ में ना, तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर ये पुलिसमैन रहता तो क्या करता, ठीक है, लुटकिंस को पकड़ कर और बहुत प्रेम पूर्वक क्या करता, इसको जेल में बंद कर देता, ठीक है। बिल लेट मी इनटू फ्रिज। अब देखो बिल ने क्या किया, बिल उसको कहां पे लेके गया, अब कहां पे लेके गया, तो फ्रिज, अरे बस समझे ना, उसके दुकान पे लेके जाता है। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे, तो अब वहां पे जाके हैक ड्राइवर पूछता है कि क्या तुमने आज ओलिवर लुटकिंस को देखा है। ओके गाइस, ओके तो यहां तक हमने पढ़ा अभी। अगर आप लोगों को किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। हैव यू कंप्लीटेड, आगे पढ़ाइए। यस अदिति, सुमित सेम सेम ही होता है, ठीक है। अबिल से जाकर ये पूछते हैं कि हैव यू एवर धोखा देना, अमन, डिसीविंग का मतलब होता है धोखा देना, राइट इट, डिसीव चीट सेम मीनिंग। और किसी कोई प्रॉब्लम, कार्ड शॉर्ट काइंड ऑफ बोल सकते हैं ना, देखो यहाँ पे शॉर्ट काइंड ऑफ कार्ड का मीनिंग बोल सकते हैं कि आप देखते हो ना, जो कैरिज का यूज किया जाता है हॉर्स के साथ, वही प्रीतम। ओके, अब देखो जब वहां पे जाके वो बोलता है फ्रिज के, ठीक है ना, शॉप पे जाकर ये बोलता है कि क्या आज आपने ओलिवर लुटकिंस को देखा, फ्रेंड्स ऑफ ही इज लुकिंग फॉर हिम, ठीक है ना, उसके कुछ दोस्त हैं जो उसका क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ये कौन बोला, ठीक है ना, तो हैक ड्राइवर बोल रहे हैं, ठीक है ना, सेड बिल चीयरली, ठीक है ना, और वो थोड़ा सा स्माइल देकर बोलता है कि जो भी उसके दोस्त हैं, ठीक है ना, ओलिवर लुटकिंस को खोज रहे हैं। अब देखो फ्रिज लुक एट मी, फ्रिज क्या करता है, ठीक है ना, वो उसके तरफ देखता है, हैंडिंग बिहाइंड बिल, ठीक है ना, और हाइडिंग बिहाइंड बिल, ये क्या था, तो छिपा हुआ था बिहाइंड के, किसके, बिल के पीछे, ही हेजिटेटेड एंड देन, थोड़ा सा हेजिटेट करता है बोलने के बाद, और एडमिटेड यस He was in here a little while ago. और बोलता है थोड़ी देर के बाद, बोलता है हाँ कि थोड़ी देर पहले वो यहीं पे था, guess he is gone over to Gustav to get a save. अब बोलता है ना कि वो गुस्ताव के दुकान पे गया होगा, शॉप पे गया होगा सेविंग के लिए, अरे बस समझ में ना, well if he comes in tell him I am looking for him, अरे बस समझ में ना, तो बोलता है कि अच्छा अगर वो यहाँ पे आएगा तो मुझे बताना कि मैं उसको ढूंढ रहा था, कौन बोला, तो हैक ड्राइवर बोल रहा है। ओके गाइस, वी ड्रोव टू गुस्ताफ बार्बर शॉप, अब वो कहाँ पे चला जाता है, तो गुस्ताफ, ठीक है ना, वो जो नाई है, ओके, उसके दुकान पे जाता है। अगेन विल वेंट इन फर्स्ट, और फिर पहले कौन जाता है, विल जाता है उसके पास, एंड वेट गाइस, एंड आई
लिंगर्ड, अब देखो लिंगर्ड का मतलब क्या होता है, स्टे, वहीं पर रुक जाना है. आई लिंगर्ड एट द डोर, मैं डोर पे क्या हो गया. युवराज अभी उसके बारे में टेंशन नहीं लो कि 22 से ओपन हुआ कि नहीं होगा, यहाँ पे फोकस करो. ठीक है, टुडे वी हैव टू डिस्कस दिस चैप्टर, आज ही हम लोग को कंप्लीट कर लेना है. ओके ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस को रखो. अरे बात समझ में ना. ओके तो अब देखो क्या होता है, वहां से भी ड्रॉप टू गुस्ताफ बार्बर शॉप. अब वो लोग कहाँ पे चले गए, तो गुस्ताफ के दुकान पे चले गए. अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, फिर से पहले कौन गया, तो हैक ड्राइवर बिल पहले जाता है. एंड आई लिंगर्ड मतलब स्टे एट द डोर, ये डोर पे दरवाजे पे ये रुक गया. ही आस्क नॉट ओनली द स्वीट बट, अब देखो स्वीट, अब ही आस्क नॉट ओनली द स्वीट बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस. ठीक है ना, अब देखो स्वीट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्वेट वर्ड यूज किया गया, इट मीन जो गुस्ताफ था वो स्वीडन का रहने वाला था. ठीक है ना, तो वहां पे जाके आस्क नॉट ओनली द स्वेट, यानी कि वो केवल गुस्ताफ से ही नहीं पूछा, बट ऑल्सो जो वहां पे कुछ कस्टमर्स थे, ठीक है ना, उसके दुकान पे जो कस्टमर थे उनसे भी पूछा इफ दे हैड सीन लुटकिंस, कि क्या आपने लुटकिंस को देखा है, अगर देखा है तो बताओ. द स्वेट हैड नॉट, देखो यानी गुस्ताफ क्या बोलता है कि ना मैंने नहीं देखा है, ही सेड एंग्रीली, और गुस्सा के बोलता है कि मैंने नहीं देखा, कि क्या बात है भाई, वो भी गुस्साता है. ठीक है ना, बार बार भी गुस्सा आ गया गुस्ताफ. आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा है. ठीक है ना, आई डोंट केयर टू, और इवन मैं उसकी केयर भी नहीं करता हूँ, वो कहीं पे जाए कहीं पे रहे. बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट डॉलर 35 ही ओज मी ऑलरेडी. आई हैव सेड द मीनिंग ऑफ ओज, मतलब होता है क्या ना, ठीक है ना, ड्यूज लेना, किराया लेना किसी से. इट मीन्स नॉट किराया, मीन्स क्या, बका. ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं क्या, कि आप बोरो करते हो, किसी से लेते हो. अरे बस समझ में ना, यानी कि $35 वो इस स्वेट से यानी गुस्ताब से भी ये पैसा डेब्ट, यस मियारी का, उससे उसने लिया था. अरे बात समझ में, ठीक है. तो जैसे ही अब पहले वो फिश के दुकान पे गए, वहां पे उसने बोला कि आई थिंक वो कहां पे चला गया है, तो गुस्ताब के दुकान पे सेविंग के लिए गया होगा. ठीक है, तो वहां पे वो लोग जाते हैं, अगेन वो डोर के पास खड़ा हो जाता है, और बिल जो है, इट मीन्स द हैक ड्राइवर है, वो कहां पे जाता है, तो अंदर की तरफ जाके देखता है. ठीक है, कि वो है कि नहीं. इवन वो स्ट्रेट यानी गुस्ताफ से ही नहीं, बल्कि वहां पे जो दो कस्टमर थे उनसे भी पूछता है कि क्या आपने लुटकिंस को देखा है. तो ये जो स्वेड था यानी कि स्वीडन का रहने वाला था गुस्ताफ, वो गुस्सा कर बोलता है, ठीक है ना, कि मैंने उसे नहीं देखा और मैं उसकी केयर भी नहीं करता हूँ. ठीक है, अगर तुमको मिले तो बोलना कि वो मेरा $35 चुका दे जो मुझसे लिया है. यानी सोच लो ओलिवर लुटकिंस जो है कितना, ठीक है ना, पैसा कर्ज लिया है लोगों से. ठीक है, ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम यहां तक? आई थिंक देर इज नो एनी प्रॉब्लम. अब देखो, वन ऑफ द कस्टमर थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल. अब देखो उसमें से जो एक कस्टमर बोला ना कि हाँ शायद मैंने देखा है थोड़ी देर पहले, कि वो इधर ही, ठीक है ना, कहाँ से, द कस्टमर थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट, यानी मेन स्ट्रीट से, ठीक है ना, इस होटल के साइड की तरफ वो जा रहा था, होटल की साइड की तरफ जा रहा था. एज वी क्लाइम्ड बैक इन टू द हैक, फिर क्या होता है, वंस अगेन वो लोग, ठीक है ना, हैक पे यानी उस टोंगा पे बैठते हैं. विल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिंस हैड एडजस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताफ ही हैड प्रोबेबली गोन टू ग्रीस फॉर अ सेव. ठीक है ना, अब देखो वहां पर हमने क्या सोचा कि एक्चुअली वो सेविंग के लिए ना गुस्ताफ के पास गया, लेकिन अपना क्रेडिट तो खराब कर दिया उसे पैसा लेके, तो वहां पे तो सेविंग कर नहीं पाएगा. अरे पास में ना, तो लगता है वो कि ग्रेस की दुकान पे गया है सेविंग करवाने के लिए. किसके दुकान पे? ग्रेस की दुकान पे. ठीक है ना, एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय वन ओनली 5 मिनट्स. और जैसे ही वो ग्रेस की दुकान पे जाते हैं, ये भी क्या है, इट इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ अ शॉप वेयर दे कट द हेयर ऑफ मैन. अरे बस ना, लोगों का यहाँ पे वो बाल काटता है, कौन, ग्रेस. तो ग्रेस की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, और वहां पे मालूम चलता है कि 5 मिनट पहले ही यहाँ से लुटकिंस निकल गया है सेविंग करवा के. गाइस यानी अभी जहां पे गए वहां पे था कि हाँ उसको देखे, ठीक है, गुस्ताफ बोल रहा है कि मेरे पास, ठीक है, नहीं आया है. अरे बस समझ में, तो वो ग्रेस की दुकान पे जाते हैं और वहां पे मालूम चलता है कि 5 मिनट पहले वो निकल गया है. अब देखो, ही हैड जस्ट लेफ्ट, अब क्या बोलते हैं कि ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम. अब देखो पूल रूम क्या होता है ना, कि एक गेम होता है, ठीक है ना, प्लेस फॉर प्लेइंग पूल. यानी अब देखते हो ना, स्टिक से लेके वो मारते हैं, हिट करते हैं, और एक जो छोटा सा बॉल होता है वो जाके गिरता है, ठीक है ना, जो होल रहता है उसमें. अरे बस ना, जो कैरम टाइप का होता है हम लोग का, वैसे ही उनका भी एक बोर्ड होता है, और इसी पे वो क्या करते हैं, उस स्टिक से खेलते हैं 8 बॉल. हाँ, तो बोला है ना कि प्रोबेबली ये थोड़ा देर पहले ही निकला है,
तुरंत निकला, ही हैड जस्ट लेफ्ट, अभी थोड़ी देर पहले तो निकला था, और शायद हो सकता है ना वो पूल रूम में गया होगा खेलने के लिए. एट द पूल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बाउट अ बैग ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट. ठीक है ना, और बोलता है कि जैसे ही हम लोग पूल रूम गए, कौन, हैक ड्राइवर यानी बिल बोलता है, ठीक है, और उसके साथ कौन था, हमारे तो एडवोकेट साहब, तो वही कहानी सुना रहे हैं ना, तो वही बोल रहे हैं, ठीक है, कि जब हम वहां पे गए तो क्या हुआ कि बोला लोग थोड़ी देर पहले वो सिगरेट लेके और यहाँ से निकल चुका है. सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, हम उसके पीछे पीछे ही निकले लेकिन उसको हम लोग पकड़ नहीं पाए. फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, और एक घंटे बाद क्या हो गया, 1 बज गया, और अभी तक ओलिवर लुटकिस इन लोगों के पकड़ में नहीं आया. अब देखो, आई वॉज हंग्री, कौन, तो लॉयर, वो क्या थे, तो हंग्री थे, काफी ज्यादा भूखे थे, बट आई हैड सो एंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस ओके अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्कार्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट. ठीक है ना, अब देखो, अरे बात समझ में ना, अब इसको तो भूख लग गया था लेकिन जैसे वो हेल्प कर रहा था उसके बावजूद इसको ज्यादा केयर नहीं था कि भले पकड़ाया चाहे नहीं पकड़ाया, कोई बात नहीं है. ठीक है, अब आगे देखते हैं और समझते हैं. हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय योर लंच. ओके गाइस, अब देखो क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे एडवोकेट बोलते हैं कि क्या होगा अगर हम कुछ खाए, देखो मेरे को तो भूख लग गया है भाई, और चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में और खाते हैं, और तुम्हारे लिए भी टेंशन मत लो. ठीक है ना, बिल को बोलते हैं, हैक ड्राइवर को, कि टेंशन ना लो, तुम्हारा समय पे करूंगा, चलो कुछ खाते हैं. वेल आई आउट टू गो होम टू द वाइफ, आई डोंट केयर मच फॉर दिस रेस्टोरेंट, ओनली 4 of them एंड दे ऑल आर बैड. अब देखो बोलते हैं वेल, ठीक है, देखिए मैं तो साहब अपने घर जाऊंगा खाने के लिए, ठीक है ना, मेरी वाइफ बना के रखी होगी खाना, मैं वही खाऊंगा, ठीक है ना. आई डोंट केयर मच फॉर दिस रेस्टोरेंट, यानी कि ये सब रेस्टोरेंट का खाना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है. यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट है और चारों क्या है, खराब है. अंकित अभी हम लोग नहीं समझेंगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर. टेल यू, ओके, टेल यू व्हाट विल डू, ओके ओके गाइस, एक्चुअली आप लोगों के पास ओनली 4 मिनट्स है आई थिंक, उसके बाद 5 बजे से आप लोगों का क्लास है कोई दूसरा, राइट, ओके ओके गाइस, तो आज के क्लास को इतना ही रखते हैं. आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा. इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे गाइस. और चलिए थोड़ा सा हम आपको बता दें, देख लो यहाँ पे कुछ कुछ और इमोजी है हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इमेज हमने देखा है. यहाँ पे हम लोग मिलेंगे लुटकिंस की माँ से, ठीक है, देख लो इसकी माँ कैसी है. आई बात समझ में ना, तो ये स्पेशली अंकित क्लास था ऑन द बेसिस ऑफ ओके. ओके, ये अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, ओके गाइस, तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय गाइस, वंस अगेन आवर वेरी सॉरी, ओके गाइस, बाय बाय एवरीवन, बाय.